तो उसको आप अच्छे से तैयार करिए प्राप्त की, लगभग उससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, जैसे उसकी फैमिली क्या होती है, आपकी बीज रहित प्रजात क्या होती है, सबसे मीठी प्रजात आपकी कौन सी होती है, या आम में प्रवर्धन किस द्वारा किया जाता है, या वैरायटियां प्रजातियां पूछा जा सकता है, कौन कौन सी बीमारी उसमें लग सकती है, तो वो सब क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करिए कि ये भी क्वेश्चन लगभग बोल लेना भाई। तो आज हमारा जो सेकंड लेक्चर आएगा, यानी जो हमने पिछले आपको मैंगो का, आज हमारा लेक्चर आएगा बनाना कल्टीवेशन यानी केला की खेती। तो बनाना कल्टीवेशन या केला की खेती हमने आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बनाना कल्टीवेशन या केला की खेती। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम, हमने इसके बारे में आप सबको पहले ही बता दिया है, बीएम मतलब क्या होता है बोटेनिकल नेम, तो एक बार और बता दे रहे हैं जो नए बच्चे हैं, क्या होता है बोटेनिकल नेम, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में वनस्पति नाम, क्या बोला जाता है वनस्पति नाम, या बहुत ज्यादा लिख देता वैज्ञानिक नाम लिख देता, क्या लिख देता वैज्ञानिक नाम, या साइंटिफिक नेम भी लिख देता कभी कभी, क्या लिख देता वैज्ञानिक नाम। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर पूछ लगता बीएन लिख देता क्या, बीएन मतलब स्टार्ट करना क्या होता है बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, क्या हो जाता वैज्ञानिक नाम। तो हमने आम का जो पढ़ा था उससे क्या होता है महंगी पेरा निकली, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं केला की खेती है, केला कल्टीवेशन बनाना कल्टीवेशन या केला की खेती। तो केला का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा मूसा पैरा डेस्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा मूसा पैरा डेस्का। तो ये ध्यान रखना अगर पूछ लेता केला का बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम क्या हो जाएगा, तो मूसा पैरा डेस्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा मूसा पैरा डेस्का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, अब आ जाता केला की फैमिली, कभी कभी पूछ लेता फैमिली भी पूछ सकता है या कुल पूछ लेता या परिवार, क्या पूछ लेता परिवार, जैसे पूछा जा सकता है कि केला किस परिवार का सदस्य या किस कुल का सदस्य है, या लिख सकता है सब किस फैमिली का सदस्य या किस फैमिली से संबंधित है। तो ये हमें यहाँ पर तीनों पता होना चाहिए, क्या तीनों के नाम पता लगता है फैमिली याद करके वहाँ पर दे सकता है कुल दे सकता है या किस परिवार का सदस्य है। तो हमें अगर तीनों पता लगे तो समझ लीजिए हमारे क्वेश्चन जो गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। तो केला की फैमिली यानी किस कुल से संबंधित है या किस परिवार से संबंधित होता है या किस फैमिली का है, तो केला की फैमिली हो जाएगा मुंह सेसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुंह सेसी हो जाएगा। तो केला का बोटेनिकल नेम मूसा पैरा डेस्का हो जाएगा, फैमिली क्या हो जाएगा मुंह सेसी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको आप सब जो बता रहे हैं जो यहाँ पर नहीं लिखा गया एडिशनल चीज है उसको आप सब नोट करते चलिए। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है ओपी मतलब क्या होता है ओरिजिन प्लेस, क्या है ओरिजिन प्लेस या इसे हिंदी में कहते उत्पत्ति स्थान, क्या कहा जाता है उत्पत्ति स्थान, या क्या कभी कभी लिख सकता है नेटिव प्लेस, क्या लिख देता नेटिव प्लेस। अब नेटिव प्लेस मतलब क्या होता मूल स्थान होता, क्या होता मूल स्थान। तो ये ध्यान रखना अगर पूछ लेता केला का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस मतलब क्या हो जाएगा उत्पत्ति स्थान, और नेटिव प्लेस मतलब क्या होता मूल स्थान, मतलब केला की ये कहां से खोजा गया था या कहां से निकाला गया था। तो केला का जो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट एशिया दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि केला का उत्पत्ति स्थान ओपी मतलब ओरिजिन प्लेस है उत्पत्ति स्थान, या इसी को किस तरह भी पूछ सकता कि केला का नेटिव प्लेस क्या हो जाएगा मतलब मूल स्थान। तो नेटिव प्लेस या मूल स्थान क्या हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा ओरिजिन ओपी मतलब ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान, उसका नेटिव प्लेस मतलब क्या होता है मूल स्थान। दोनों का पूछने का तरीका अलग है केवल बस आंसर दोनों का सेम रहेगा। उसका क्वेश्चन नंबर मतलब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर टू एन दिया, क्या टू एन रहेगा ये ध्यान रखना यहाँ पर एन। अब टू एन को क्या बोला जाता है क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर या इसे हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र संख्या, क्या कहा जाता है गुणसूत्र संख्या। अब इसमें पूछा जा रहा है कि केला में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, जैसे देखो टू एन को जो हमारे गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर को हम टू एन से डिनोट किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है टू एन से, जैसे कभी कभी लिख देता कि टू एन पपीता में या केला में टू एन इक्वल टू क्या होगा। तो टू एन मतलब क्या होता है गुणसूत्र संख्या पूछ रहा है क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है। तो केला में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 22, 33 और 44 होता है, क्या होता है 22, 33 और 44 होता है। तो 22, 33 और 44 क्या होता है जैसे जो डिप्लाइड होता है उसमें 22 होगा, जो ट्राइपोलाइड होता है उसमें 33 होगा, जो टेट्रापोलाइड होता है उसमें 44 होता है, क्या होता है 44 होता है। जो हमारा केला उगाया जाता है वो ट्राइपोलाइड या टेट्रापोलाइड या त्रिगुणित जो प्रजाति होती है वो हमारे देश में उसकी खेती की जाती है। जो खाने वाला केला होता है वो कौन सा होता है ट्राइपोलाइड या त्रिगुणित होता है, क्या होता है ट्राइपोलाइड या त्रिगुणित जिसे बोले। तो कभी कभी पूछा जा सकता है खाने वाला केला कौन सा होता है, तो कौन सा हो जाएगा त्रिगुणित जिसे बोला जाता है ट्राइपोलाइड बोला जाता है, क्या बोला जाता है ट्राइपोलाइड। तो ये भी ध्यान रखना जिसमें 22 गुणसूत्र संख्या होती है डिप्लाइड हो जाएगा, जिसमें 33 होता है ट्राइपोलाइड त्रिगुणित हो जाएगा, जो उसमें 44 होता है टेट्रापोलाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेट्रापोलाइड। तो ये हमने बता दिया पहला केला का बोटेनिकल वनस्पति नाम मूसा पैरा डेस्का, दूसरा हमने बताया कि फैमिली कि केला किस कुल से संबंधित है या किस फैमिली का सदस्य या किस परिवार का सदस्य, तो मूसेसी। केला को ओपी मतलब ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान या नेटिव प्लेस, तो क्या हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाएगा। उसके बाद टू ये मतलब क्या होता है गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 22, 33 और 44 डिप्लाइड में 22 हो जाए ट्राइपोलाइड में 33 हो जाए टेट्रापोलाइड में 44 होता है। जो हम केला खाते हैं जो हमारे जो उपयोग खाने वाला केला कौन सा होता है ट्राइपोलाइड, इसमें टू एन इक्वल टू क्या होता है 33 होता है। तो ये ध्यान यानी त्रिगुणित होता है।
अब हम आगे देखते हैं। अमन गौतम बता रहे सर यह हुई कभी होता है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान जो होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। गुड्डू वर्मा बता रहे सर बुक में इंडो चाइना दिया, इंडो चाइना ने भी जो हमारे अगर देखा जाए कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाता तो हमारा वही होगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया होगा। अजय कुशवाहा नमस्ते सर, तुम मतलब काफी दिन बाद दिखाई दे रहे हो, क्या क्लास नहीं ले तो क्या? अजय कुशवाहा शिवम कुमार सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा, अब ये तुम्हारा कमेंट आ रहा है। अंकित कुमार नमस्ते सर, विपिन कुमार, अजय संतोष मौर्य, विकास पाल, सुनील गंगवार, सुनील गंगवार आजकल तुम्हारे व्हाट्सएप की स्टेटस नहीं लग रहे क्या? लग रहे हैं। चलो भैया स्टेटस कम लगा कर पढ़ाई जाता करो। नरेंद्र पाल, सत्यम सिंह चंद्र सर मेरा भी फोटो देखिए, दीपक कुमार, मोन्टू गौतम सर चरण नमस्कार है। सुनील गंगवार के लिए एक अपडेट आया कि भैया सुनील गंगवार जम्मू के सताए हुए हैं, कोई बता रहा है जो लेटेस्ट न्यूज आया वो हमने बता दिया आपको। विशाल वर्मा हाँ भैया कमेंट आ रहा है आपके, पीयूष यादव आ रहा आपका भी भैया कमेंट, कपिल दुबे, इटावा भैया पढ़ाई कर लो इटावा वाले, नहीं फिर इटावा में रहोगे फिर वही डिग्री कर ले देखोगे। मोहम्मद मनोहर आलम सर बिहार का भी, बिहारी का भी नाम लिखिए, बिहार के आने वाले भैया कोई दिक्कत नहीं। आज बहुत कम बच्चे लाइव भैया 40-25 इसमें है, क्या धीरे धीरे सब गारमेंसी में चल रहे हैं क्या? पढ़ाई कर लो भैया गारमेंसी में मत जाओ ठीक है, क्योंकि वो समय यही वो समय जो कंपटीशन क्वालीफाई करने के यूपी कैडेट का। 40 बच्चे कल 60 बच्चे तो है तो बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, बता दो भैया कि सभी लोग लाइव आया करें क्लास लिया करें ठीक है, फिर जमा कर दिए रहने की आराम से 100-75 तक के। अब हो सकता है कि बरसात का कुछ इस समय मौसम जो थोड़ा ठंडा हो गया तो सोने थोड़ा ज़्यादा मन करता होगा। संतोष मौर्य तो भैया कहाँ गायब हो गए थे तुम्हारा, तुम दिखाई नहीं देता तुम आजकल कहाँ, अच्छा मौसम साथ में चले गए होगे तो कहाँ दिखा देगा। चलिए ठीक है हमने बता दिया था, यानी केला का बटन के लिए फैमिली ओरिजिन प्लेस और क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। विकास भैया कमेंट आ रहा है आपके भी, यदुवीर सिंह, सुनील गंगवार कह रहे हैं अच्छा सर, भैया इतना कमेंट डूबो ठीक है, नहीं कौन सी मूवी देखोगे तुम्हें पता साथ ही में जरूर आना। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, अब आ जाता है फल का प्रकार, यानी केला के फल का प्रकार क्या होता है या टाइप ऑफ फ्रूट। तो फल के प्रकार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो ये भी जान लेना टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार। तो केला के जो फल का प्रकार होता है बेरी होता है, क्या हो जाएगा बेरी, टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार क्या हो जाएगा बेरी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि केला का खाने वाला भाग इडिबल पार्ट, यानी कौन सा भाग खाया जाता है इडिबल पार्ट। तो इंग्लिश भी आप सबको बता दे रहे जो यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो अगर पूछ लेगा टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार तो बेरी हो जाएगा, उसके बाद खाने वाला भाग तो केला का कौन सा भाग खाया जाता है इडिबल पार्ट, तो मध्य तथा अंतः फलभित हो जाएगा, क्या हो जाएगा मध्य तथा अंतः फलभित हो जाएगा, तो इडिबल पार्ट मध्य तथा अंतः फलभित। उस पर अगला पॉइंट आ जाता है सॉइल, क्या हो जाएगा सॉइल, सॉइल को जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है मृदा, क्या बोला जाता है मृदा। अब केला की खेती के लिए कौन सी भूमि जो होता है उपयुक्त मानी जाती है, यानी किस भूमि में हम इसकी खेती करें जो अच्छे से ये इसका कल्टीवेशन अच्छी तरीके से हो सके और प्रोडक्शन भी अच्छे तरीके से हो। तो हम केला की खेती के लिए कौन सी भूमि जो होता है अच्छी मानी जाती है, यानी कौन सी भूमि जो होती है इसके लिए परफेक्ट होती है, तो सैंडी लोम, क्या हो जाएगा सैंडी लोम, जिसे बोला जाता है हिंदी में बलुई दोमट, क्या बोला जाता है बलुई दोमट। तो केला की खेती के लिए कौन सी भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है, तो सैंडी लोम या बलुई दोमट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आ जाता है इसमें आ जाता है पीएच, क्या हो जाएगा पीएच। चलिए क्वेश्चन आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि पीएच की खोज किसने की, पीएच की खोज किसने की और पीएच स्केल का पैमाना कितना होता है, कहां से कहां तक होता है। ये दोनों क्वेश्चन में पीकेटर में पूछा गया, मेरा पेपर बनाया था तब पूछा था कि पीएच की खोज किसने की और पीएच स्केल का पैमाना कहां से कहां तक होता है। अब पीएच देख लीजिए केला की खेती के लिए जो भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7.5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 6 से 7.5। पीएच का पूरा नाम क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए बताइए जो हमने क्वेश्चन पूछा है, सतेंद्र कुमार बता रहे हैं, स्पेल सोरेनसन, गुड्डू सोरेनसन, सीएम सोरेनसन 0 से 14, विकास 0 से 14, व्योम त्रिपाठी सोरेनसन, श्याम जी सोरेनसन 0 से 14, यदवीर सिंह 1 से 14, भैया यदवीर सिंह 1 से 14 कहाँ होगा, सागर त्रिपाठी सोरेनसन, प्रांशु गौतम सोरेनसन। चलिए काफी स्टूडेंट का सही आ रहा, तो एक बार दोबारा बता रहा कि पीएच की खोज किसने की थी, एस पी एल सोरेनसन ने किया था, किसने, एस पी एल सोरेनसन, एस पी एल सोरेनसन ने किया था, कब किया था 1909 में, ये जाना था कब किया था 1909 में। तो पीएच की खोज एस पी एल सोरेनसन ने 1909 में, और पीएच स्केल का जो पैमाना होता है 0 से 14 होता है, कितना होता है 0 से 14। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, पीएच की खोज एस पी एल सोरेनसन ने 1909 में किया था, पीएच का पैमाना कहां से कहां तक होता तो 0 से 14। अब केला की खेती के लिए जो भूमि का पीएच मान होना चाहिए 6 से 7.5 होना चाहिए, भूमि कौन से होना चाहिए सैंडी लोम या बलुई दोमट। अब ये क्वेश्चन आ गया काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है, केला में शुगर की मात्रा, हाँ ये सब क्वेश्चन जो यहाँ से स्टार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
कि केला में शुगर की मात्रा कितनी होती है, चीनी की मात्रा कितनी होती है, तो 26% होती है। केले में शुगर की मात्रा कितनी हो जाती है, 26%। उसको नेक्स्ट कहा जाता है कि केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, तो केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो हो जाएगी 27% होता है, 27% होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो काफी मार्क्स में जो पूछे जाते हैं कि केले में शुगर की मात्रा 26%, केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तो 27% होता है, कितना होता है, 27% होता है। अभी सर एक बार दोबारा देख लेते हैं कि केला के फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, तो बेरी होता है, इडबल पार्ट खाने वाला भाग, मध्य तथा अंतःफलित होता है, क्या होता है, मध्य तथा अंतःफलित, सॉइल कौन से होने चाहिए, सैंडी लोम या बलुई दोमट, पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 7.5 होना चाहिए, केले में शुगर की मात्रा 26% होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 27% होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि केले में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, अभी हमने आप सबको बता दिया शुगर की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, अब आ जाता है प्रोटीन की मात्रा, किसकी, प्रोटीन की मात्रा, तो केले में जो प्रोटीन की मात्रा होती है 1.78% होता है, 1.78 जिसे बोला जाता है, 1.78% होता है, तो प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन तो शुगर और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया कि केले के पुष्करण को क्या कहा जाता है, स्पाइडिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पाइडिक्स कहा जाता है, केले के पुष्करण को क्या कहा जाता है, स्पाइडिक्स। अब एक क्वेश्चन और बताइए कि हमारी जो सीरियल फसलें होती है, अनाज वाली फसलें होती है, कौन सी ऐसी फसल है जिसके पुष्करण को स्पाइडिक्स कहा जाता है, ये तो और क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अंकुश कुमार अभी आपके कमेंट आ रहे हैं, चलिए बताइए कौन सा सीरियल अनाज वाली फसल में कौन सी फसल है जिसके पुष्करण को स्पाइडिक्स कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है। रजनीश कुमार बता रहे हैं मिर्च, चलिए कमेंट बॉक्स 17 में गुड्डू वर्मा मिर्च, गौरव मिर्च, सिवन मिर्च, मक्का मिर्च, श्याम जी मिर्च, मोंटू गौतम मिर्च, यदुवीर सिंह मेज, विपिन मेज, संतोष मौर्य मक्का, जय सिंह मेज, हाँ, तो लगभग सभी स्टूडेंट का आंसर सही है कि जो मक्का के पुष्करण को भी क्या कहा जाता है, स्पाइडिक्स कहा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो मक्का के पुष्करण को भी क्या कहा जाता है, स्पाइडिक्स कहा जाता है। अब केले के पुष्करण को हमने बता दिया क्या कहा जाता है, स्पाइडिक्स कहा जाता है, क्या, स्पाइडिक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में सबसे अधिक केला का उत्पादन किस देश में होता है, किस देश का है, यानी कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक विश्व में केला का उत्पादन करता है, तो विश्व में सबसे अधिक केला का उत्पादन भारत में होता है, कहां पर होता है, भारत में होता है, इसका उत्पादन तो भारत, लेकिन तो क्षेत्रफल जो सबसे अधिक चाइना के अंतर्गत आता है, किसका, चाइना, लेकिन तो जो उत्पादन होता है वो सबसे अधिक भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक केला का उत्पादन किस राज्य में होता है, अब हम लोग विश्व में पूछता है तो विश्व में सबसे अधिक केला का उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में होता है, किसमें, भारत में। अगर वही आ जाता कि पूछ लेता कि भारत में सबसे अधिक केला का उत्पादन किस राज्य में होता है, अगर भारत में पूछेगा तो राज्य पूछा जाता, क्या पूछा जाएगा, राज्य, अगर विश्व में पूछा जाता तो कंट्री पूछा जाता, क्या, कंट्री या देश, तो भारत में सबसे अधिक केला का उत्पादन किस राज्य में होता, तो तमिलनाडु में होता, कहां पर, तमिलनाडु में, जैसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, टीएन, क्या बोला जाता है, टीएन, तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गए, एक बार दोबारा बताते हैं कि केले में प्रोटीन की मात्रा 1.78% कार्बोहाइड्रेट, शुगर 26, कार्बोहाइड्रेट 27, केले के पुष्करण को स्पाइडिक्स, मक्का के पुष्करण को भी क्या कहा जाता है, स्पाइडिक्स कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक केला का उत्पादन किस देश में होता है, तो किस देश में होता है, भारत में होता है, और भारत में सबसे अधिक केला का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगा, चेन्नई। अब हम चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो उत्पादन देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, उत्पादकता, ये टर्म हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता क्या होता है। तो ये समझ लेना, केवल एक सिंपल भाषा में समझ लेना कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है, यानी एक हेक्टेयर में जो उत्पादन होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है। अगर उत्पादन पूछ लेता है तो कुल जितना जो हमारे देश में कुल उपज होता है उसे क्या बोला जाता है, उत्पादन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उत्पादन या प्रोडक्शन बोला जाता है। और एरिया या क्षेत्रफल जो पूरे हमारे देश में जो पूरा यानी जो पूरी खेती की जाती है, तो जितने भूमि में खेती की जाती है उसे क्या बोला जाता है, एरिया या क्षेत्रफल बोला जाता है, क्या, एरिया या क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता क्या होता है, तो प्रति हेक्टेयर जो उपज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है, यानी एक हेक्टेयर में जो उपज होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है। ये टर्म लगभग कम बच्चों को पता था, तो इतना जानना था। तो भारत में सबसे अधिक केला की उत्पादकता किस राज्य की है, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर प्रति हेक्टेयर केला का उत्पादन सबसे अधिक होता है, मतलब एक हेक्टेयर में, तो सभी जो हमारे भारत के सभी राज्य सभी का एक हेक्टेयर जो एरिया में खेती की, सभी का रेशियो लिया गया, सभी का डाटा लिया गया, तो जो सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है, क्या होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो अगर पूछ लेता है कि भारत में सबसे अधिक केला की उत्पादकता किस राज्य की है, तो महाराष्ट्र की हो जाएगी, किसकी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई होता है, क्या होता है, मुंबई। अब अगला क्वेश्चन रहता है केला का पौधा एक बीजपत्री है, क्या, एक बीजपत्री, हाँ देखो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, दो प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, कितने, दो प्रकार के, जिनके बीज को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं उसे दो बीजपत्री कहा जाता है, और जिनके बीज को दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता उसे एक बीजपत्री कहा जाता है। जैसे जैसे हमारा धान, गेहूं, ज्वार,
ज्वार बाजरा मक्का ये सब किसके अंदर एक बीज पत्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत एक बीज पत्री देखे होते जो हमारा धान या गेहूं होता क्या होता धान या गेहूं इसके भाव इसके तो इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता क्या इसको एक ही भाग अगर हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा टूट जाता क्या था टूट जाता तो देखे होते इसके दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते जैसे धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा ये सब किसके अंतर्गत आता एक बीज पत्री के अंतर्गत आता किसके अंतर्गत एक बीज पत्री के अंतर्गत आता और दो बीज पत्री जिनके बीज को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो उसे क्या बोला जाता है दो बीज पत्री बोला जाता है क्या दो बीज पत्री बोला जाता है जैसे चना मटर मूंगफली आम ये सब किसके अंतर्गत दो बीज पत्री। अब चना जैसे हमारी जो दलहनी फसलें होती है जैसे चना हो गया मसूर हो गया मटर हो गया अरहर हो गया उड़द हो गया तो इनको हम देखेंगे दो बराबर इनके बीच को अगर हम ऊपर जो कवर लगा रहा था उसको हटाएंगे तो इसमें दो बराबर भागों में आसानी से बढ़ जाते हैं तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है दो बीज पत्री बीज बोला जाता है क्या दो बीज पत्री बीज बोला जाता है क्यों तो इतना ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और बांटनी में पूछा जाता है कि समांतर शिराविन्यास किसमें पाया जाता है जालिका रूपी शिराविन्यास ये बांटनी का क्वेश्चन जो लगभग कंपटीशन में पूछा गया कई बार अगर पूछा जाता है समांतर शिराविन्यास किसमें पाया जाता है तो एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा अलग से आप कि समांतर शिराविन्यास किसमें पाया जाता है समांतर शिराविन्यास तो समांतर शिराविन्यास जो पाया जाता है एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है किसमें एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है। जब आप बांटनी की किताब खोलोगे उसमें देखोगे कि जहां पर एक बीज पत्री तथा दो बीज पत्री पौधों में अंतर दिया है वहां देखोगे दिया होगा कि समांतर शिराविन्यास किसमें पाया जाता है उसमें क्या क्या अंतर होते प्लस उनके उदाहरण भी दिया गया है तो उसको एक बार आप जरूर ध्यान ये नहीं देख लेना हो सकता है सबसे पूछा जा सकता है। तो समांतर शिराविन्यास एक बीज पत्री पौधों में और अगर पूछ लेता कि जालिका रूपी शिराविन्यास यानी जाल टाइप जो शिराविन्यास पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है तो दो बीज पत्री पौधों में पाया जाता है किसमें दो बीज पत्री पौधों में पाया जाता है। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखना ये तो जो मेन पॉइंट हमने आपको बता दिया समांतर शिराविन्यास एक बीज पत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास किसमें पाया जाता है दो बीज पत्री पौधों में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है लगभग पूछे जा सकते इसलिए इसको आप याद रखना एक बीज पत्री क्या होता है उसको भी हमने बता दिया और दो बीज पत्री बीज क्या होता है उसको भी बता दिया। तो केला का हमारा जो पौधा होता है एक बीज पत्री होता है क्या होता है मोनोकॉटिलेडन्स यानी एक बीज पत्री पौधा होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते केला में बीज रहित होने का कारण देखोगे केला क्या होता है सीडलेस होता है क्या होता है सीडलेस होता है यानी बीज रहित होता है। अब किसके कारण होता है पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोला जाता है पार्थिनोकार्पी क्या कहा जाता है पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। तो केला में बीज रहित होने का कारण क्या होता है पार्थिनोकार्पी हो जाएगा क्या हो जाएगा पार्थिनोकार्पी। तो ये भी ध्यान रखना केला क्या हो जाए पार्थिनोकार्पी। और कभी कभी पूछ लेता है केला में बीज रहित त्रिगुणित होता है जो केला हमारा त्रिगुणित होता है क्या त्रिगुणित होता है यानी ट्राइपोलॉइड होता है वो भी केला क्या होता है हमारा जो बीज रहित होता है क्या होता है केला जो होता है त्रिगुणित केला होता है बीज रहित होता है जो केला कौन सा खाते हैं त्रिगुणित केला ट्राइपोलॉइड केला खाया जाता है। दोबारा कि भारत में सबसे अधिक केला की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उपज किस राज्य में होता है महाराष्ट्र केला का पौधा एक बीज पत्री केला में बीज रहित होने का कारण तो पार्थिनोकार्पी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आ जाता है कि केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है वही जैसी भाव में मतलब केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मैलिक तथा अल्जैलिक अम्ल पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है मैलिक तथा अल्जैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मैलिक तथा अल्जैलिक अम्ल पाया जाता है। अब जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कंपटीशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये जो पूछे जाते हैं कि केले में प्रवर्धन होता है प्रवर्धन किसके द्वारा होता है जिसे बोला जाता है प्रोपोगेशन केले में प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किस भी द्वारा किया जाता है तो देख लेते सकर्ष या तलवार सकर्ष या अंताभोस्तारी बोला जाता है क्या अंताभोस्तारी ये भोस्तारी का नहीं रहेगा तो रहेगा अंताभोस्तारी रहेगा तो ये जानना है इसको अंताभोस्तारी। तो जितने शब्द यहां पर टाइप दिया गया आपको सभी याद होना चाहिए कि केले में प्रवर्धन या प्रोपोगेशन क्या प्रवर्धन या प्रोपोगेशन किस भी द्वारा किया जाता है तो सकर्ष या तलवार सकर्ष या अंताभोस्तारी या इनसे कह सकते स्वर सकर्ष भी कहा जाता है स्वर सकर्ष भी से कहा जाता है। तो ये सब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इसलिए ये क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए कि केले में प्रवर्धन किस भी द्वारा किया जाता है सकर्ष या तलवार सकर्ष या स्वर सकर्ष या अंताभोस्तारी किसके द्वारा अंताभोस्तारी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो पूछा गया कंपटीशन में मेरा का पेपर उठा हो गया पिछले 2017 का तब 2017 में बना था 14 में तो ये दोनों क्वेश्चन ये लगभग ऐसा क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि केला में सकर्ष का भार कितना होना चाहिए सकर्ष अंतर क्या होता है सबको वो बता देते हैं कि देखोगे जो केला हमारा एक पौधा उसके बगल में जो छोटी छोटी पुत्तियां निकलती क्या पुत्तियां निकलती जैसे हमारा केला का पौधा मान लेते पूरा है इसके बगल में देखोगे छोटी छोटी ऐसे कलकाएं छोटी छोटी पुत्तियां ऐसी छोटी छोटी निकलती है तो इन्हीं को क्या बोला जाता है सकर्ष कहा जाता है क्या कहा जाता है तो सकर्ष कहा जाता है इतना ध्यान रखना बस ये अगर आप केला का पौधा देखोगे तो आप सबको तुरंत समझ में आ जाएगा कि केला का जो पौधा होता है उसके बगल में जो छोटी छोटी पुत्तियां निकलती है उन्हें क्या बोला जाता है सकर्ष बोला जाता है क्या सकर्ष। अब जो सकर्ष का प्रवर्धन के लिए जिस सकर्ष का प्रयोग करते हैं तो सकर्ष का भार कितना होना चाहिए तो 500 से 750 ग्राम होना चाहिए कितना होना चाहिए यानी जो उसका भार होना चाहिए पौधे की जो भार होना चाहिए 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद सकर्ष की लंबाई भी पूछी जाती है अब उसकी लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए ना कि ज्यादा लंबा हो जाए हमारे एक पौधा जो है उसी के बराबर हो जाएगा तब उसका प्रोपोगेशन करेंगे तो वो लगेगा नहीं मतलब वो सूख जाएगा। और सकर्ष की लंबाई कितनी होनी चाहिए 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसकी जो लंबाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए इनकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए तो 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो
तो यही क्वेश्चन हमने आपको बता रहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको, केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक तथा अलजैविक अम्ल पाया जाता है, केले में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, सकर्स या तलवार सकर्स या जिसे बोला जाता है स्वर सकर्स या अंतर्गोस्थल, उसको बताया जाता है केले में सकर्स का भार कितना होना चाहिए, यानी जो प्रवर्धन के लिए सकर्स का प्रयोग करते हैं तो सकर्स का भार कितना होना चाहिए, तो 500 से 750 ग्राम होना चाहिए, कितना होना चाहिए 500 से 750 ग्राम होना चाहिए, और सकर्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो सकर्स की लंबाई होनी चाहिए 60 से 90 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा ये सकर्स रहता है छोटा सा कुत्ती रहता है इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत जो ने बताया सकर्स वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इस पर हम आपके लिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, इतना आ गया समझ में, जो हमने बताया प्रोपोगेशन आधी आ गई है, अनुराग दत्त बता रहे हैं सर आधी आ गई है समझ में, आधी तुम्हारे यहाँ आ गई है, आधी समझ में आया है, पूरा नहीं आया। तो केला का जब पौधा देखोगे तो तुम्हें समझ में तुरंत आ जाएगा, एक बार जाके केला का पौधा देख लेना तो फिर तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते आगे। अब देखिए रिसर्च स्टेशन है जो पूछा जा सकता है, तो सीबीआरएस क्या है, सीबीआरएस, अब सीबीआरएस का हमें सबसे पहले इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन, तो सीबीआरएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन। ये कहां पर स्थित है, तो तमिलनाडु, टीएम मतलब क्या होता है, तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ये ध्यान रखना कि सीबीआरएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन, क्या हो जाएगा, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन। ये कहां पर स्थित है, तो तमिलनाडु। उसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अगला पॉइंट सीपीआरआई, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते इसलिए याद होना चाहिए सीपीआरआई। तो सीपीआरआई का पूरा नाम सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या हो जाता है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में, कहां पर स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो क्यों हिमाचल प्रदेश लिखा, इसलिए शिमला हिमाचल प्रदेश, दोनों एचपी मतलब क्या होता है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो सीपीआरआई का पूरा नाम पहले याद रखना कि सीपीआरआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर स्थित है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। सीबीआरएस का पूरा नाम सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन, ये कहां पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित। अब देख लीजिए कुछ टर्मिनोलॉजी आ गया जो पूछा जाता है। अब आता है प्रोपिंग, क्या होता है प्रोपिंग, प्रोपिंग, अब प्रोपिंग क्या होता है, कि केले के फल आने के बाद उसे गिरने से रोकने के लिए, केले के फल आने के बाद उसे गिरने से रोकने के लिए लकड़ी का जो सहारा दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोपिंग कहा जाता है। अब देखिए आपसे गांव में आपसे देखे होंगे अधिकतर कि केला का पौधा क्या पौधा है, अब इसमें अगर फल आ गए क्या होगा, इसमें घर आने लगे क्या, फूल आ गए हैं, फूल देखे होंगे ऐसे बना रहता समय से ऊपर से कवर ऐसे लगा रहता, अब इसमें क्या होगी, फलियां आने लगी क्या, फलियां आ रही हैं। तो कुछ लोग देखे होंगे गांव में ऐसे लकड़ी का इसमें सहारा दे देते, कहां पर ऐसे लकड़ी का इसमें सहारा लगा देते हैं जमीन से, तो इसे ही बोला जाता, क्या बोला जाता, प्रोपिंग बोला जाता, क्या बोला जाता, प्रोपिंग। अब ये क्रिया क्यों की जाती है, क्योंकि अगर देखोगे केला का जो पौधा होता है इसमें सभी फाइबर से रेशे का पूरा बना होता है, इसमें उठिया लकड़ी नहीं पाया जाता, अब इसका भार अधिक होगा धीरे धीरे, भार जितना इसमें फल धीरे धीरे बड़े होंगे, इसके साइज इंक्रीज होगा, क्वालिटी बढ़ेगा धीरे धीरे, तो इनका वेट अधिक होगा, अब वेट अगर अधिक होगा या बारिश वरिश आदि तूफान आया तो केला का पौधा क्या होता है, गिर जाता, क्या होता है, गिर जाता है। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए क्या कहते हैं, लकड़ी का सहारा दिया जाता, क्या लकड़ी का सहारा दिया जाता, तो उसे ही बोला जाता प्रोपिंग कहा जाता, क्या कहा जाता, प्रोपिंग कहा जाता है। तो क्यों इतना ध्यान रखना कि केले में फल आने के बाद उसे गिरने से रोकने के लिए लकड़ी का जो सहारा दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोपिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोपिंग कहा जाता है। यह भैया टर्मिनोलॉजी, अगर यहाँ पर यह समझ लोगे तो बहुत आसानी तरीके, बहुत मतलब इसी तरीके से आप सबको बता रहे हैं, जब तक पढ़ोगे तब तक ये टर्मिनोलॉजी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए इसको यहाँ पर आप समझ लेना जरूर कि प्रोपिंग क्या होता है, केले में फल आने के बाद उसे गिरने से रोकने के लिए जो लकड़ी का सहारा दिया जाता है उसे बोला जाता है प्रोपिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोपिंग कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है डिसक्रीट, अब देखो डिसक्रीट हमारा दो प्रकार, दो फसलों में होता है, एक तंबाकू में भी होता है और एक हमारा केला में भी होता है, किसमें होता है, तंबाकू में होता है, केला में होता है। अब इसका मेन जो हमें याद रखना है, डिसक्रीट होता क्या है,
तो डिसक्रिय मतलब अवांछित सकस को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डिसक्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसक्रिय कहा जाता है। अब अवांछित सकस क्या होते हैं कि कुछ हमारे पौधे जो होते हैं, अगर हमने इसको लगाया, क्या ग्रो किया, तो कुछ हमारे जो पौधे होते हैं छोटे छोटे पौधों में रोग लग जाते हैं, क्या होता है? डिजीज लग जाते हैं। तो क्या होगा? डिजीज अगर लग गए तो हमारा जो एक अच्छा मतलब अच्छा हेल्थी हेल्थी पौधा है, अगर उसमें उसके बाद उसमें डिजीज या रोग लग गए तो हमारे खेत पूरे खेत को और केले के पौधे जो हमारी फसलें होती है उसको हानिकारक मतलब उसको हानि पहुंचाते हैं। तो मतलब अवांछित सकस वही होता है कि जो मतलब डिजीज या बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, बेकार पौधे हो जाते हैं, उनमें ऐसा लगता है कि इसमें फल ज्यादा फूल नहीं आएगी, ज्यादा बढ़ नहीं रहे, इसकी लंबाई नहीं बढ़े, ये छोटा सा बना है, और बाकी अन्य पौधों जो अन्य पौधे बगल में पास पास में उनको भी ये बीमारी से इन्फेक्टेड कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, उसको रिमूव कर देते, उसको क्या करते वहां से निकाल देते हैं। तो उसे ये बोला जाता है कि अवांछित सकस को हटाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? डिसक्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसक्रिय कहा जाता है। तंबाकू में भी क्या होता है? तंबाकू में वही होता है कि अवांछित सकस को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डिसक्रिय कहा जाता है। यस, कभी कभी लेते शीर्ष करता है, क्या होता है? शीर्ष कर्तन। अब शीर्ष कर्तन अगर लिखेगा तो वही जो ऊपरी भाग होता है, क्या शीर्ष कर्तन को हटाने की क्रिया को भी शीर्ष कर्तन कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया डिसक्रिय, आप सबको समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं, इतना ध्यान रखना, मेन टर्म यही देता है, हमारे कंपटीशन में यही टर्म देगा, और यही क्वेश्चन पूछा भी गया कंपटीशन में, मेरा पेपर बना था तभी पूछा था कि अवांछित सकस को हटाने की क्रिया को कहा जाता है, उसमें यह नहीं पूछा था। और इस तरह पूछा जाता है कि डिसक्रिय की क्रिया किसमें की जाती है, तो तंबाकू और केला दोनों ध्यान रखना, दोनों में की जाती है। इसलिए दोनों अगर पूछ लेता कि डिसक्रिय की क्रिया किसमें की जाती है, तंबाकू और केला दोनों, अगर इस तरह पूछ लेता कि अवांछित सकस को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो डिसक्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसक्रिय। प्रोबी क्या होता है? केले में घर फल आने के बाद या घर आने के बाद उसे गिरने से रोकने के लिए जो लकड़ी का सहारा दिया जाता है उससे क्या कहा जाता है? प्रोबिंग कहा जाता है। अब ऐसा मड कॉकिंग, अब मड कॉकिंग क्या होता है? यह सब टर्मिनोलॉजी को आप याद कर लीजिएगा। अब ऐसा केले की पुत्तियां सकस, क्या हो जाएगा? केले की पुत्तियां सकस, केले की पुत्तियां सकस को एक साथ हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मट कोकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मट कोकिंग। अब एक साथ हटाना, तब इसको हम एक साथ हटाते हैं। जब हम सब देखते हैं कि केला का पौधा जो हमारा, क्या है? केला का पौधा है, इसमें फल अच्छी मतलब फल आएगा, फल दे चुका है, इसमें फल आ गया है। अब जानते होंगे आप सब कि केला का पौधा अपने जीवन में केवल एक ही बार फल देता है। ये भी क्वेश्चन आईसीएमआर में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा फल है जो जीवन में केवल एक ही बार फल, यानी कौन सा ऐसा पौधा है जो केवल जीवन में एक ही बार फल देता है, तो केला होता है। क्या होता है? केला। केला आप सब देखे होंगे कि केला का जो पौधा होता है उसमें एक बार फल आने के बाद दोबारा उसमें कभी फल नहीं आता है। तो देखो कि केला का ये पौधा रहेगा, इसमें फल आ गया, इसके बगल में भी कुछ पौधे, इसमें भी फल अच्छी तरीके से आ गया, फल समाप्त हो गया। अब इसमें हमें पता है कि इसमें फल नहीं आएगा, दोबारा इसमें फल नहीं ले सकते, तो इसको क्या करते हैं? एक साथ हटा देते हैं, एक साथ हम खेत से क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये क्या होता है? केले की पुत्तियां सकस को एक साथ हटाने की क्रिया को मट कोकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मट कोकिंग कहा जाता है। तो अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो हम लकड़ी का सहारा देते हैं उसे प्रोपिंग कहा जाता है, और सकस को एक साथ हटाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पुत्तियां सकस को अगर एक साथ हटाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मट कोकिंग कहा जाता है। और डिसक्रिय क्या कहा जाता है? अवांछित सकस को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो डिसक्रिय कहा जाता है। यह सबको समझ में आ गया डिसक्रिय क्या होता है और मट कोकिंग क्या होता है। अब अगर आ जाता है डीएनए वाली, डीएनए वाली, अब डीएनए वाली क्या होता है? केले में फूल आने के बाद, केले में फूल आने के बाद उसके नर भाग को हटाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? डीएनए वाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीएनए वाली। अब नर भाग क्या होता है इसको भी बता देते हैं। एक केला का पौधा है, अब केला के पौधा से इसमें फूल आ गया, क्या इसमें फूल आ गया। अब आप सब देखोगे केला का जो ऐसे फूल आता है, क्या जो फूल ऐसे कवर टाइप लगा रहता है, तो यही हमारा क्या होता है? नर भाग होता है। क्या होता है? नर, मेल इनफ्लोरेसेंस होता है या नर पुष्पक्रम होता है। क्या होता है? नर पुष्पक्रम होता है। अब इधर जितना ये बढ़ेगा ऐसे इसमें फलियां लगती हुई चलती है। ये देखिए ऐसे इसमें फलियां बनती हुई चलती है। अभी हमारा जितना नर भाग जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें ऐसे फलियां धीरे धीरे ऐसे लगती हुई चलती है। और कुछ ऐसा समय आ जाता है कभी कभी इसमें फलियां ही लगना बंद हो जाती है। क्या होता है? इसमें फलियां लगना बंद हो जाती है। अब फली नहीं लगेगा तो अगर ये रहता तो जितनी भी एनर्जी इनको मिलता है तो ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये भी एनर्जी को अवशोषण, यानी जो भी इसे खनिज पदार्थ या पोषक तत्व जो उपलब्ध होता है तो इन्हें भी ये एनर्जी धीरे धीरे देता है। तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं? यहां से हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो ये इसको आप क्या कर देते? काट कर अलग कर लेते, अलग क्या कर देंगे? काट कर अलग कर देंगे। अब काट कर जब अलग कर देंगे तो इसकी जो साइज रहेगा और क्वालिटी धीरे से और अच्छी हो जाएगी, और इसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, उसकी मोटाई भी सब अच्छी तरीके से, मतलब जो क्वालिटी रहती है इसकी इनकी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसको ऐसे हम काट कर अलग कर देते। तो वही क्या होता है कि केले में फूल आने के बाद, क्या होता है? फूल आने के बाद उसके नर भाग को हटाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? डीएनए वाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीएनए वाली बोला जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने आप सबको बताया है, एक बार दोबारा आप सबको रिपीट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो पहले हमने बता दिया प्रोपिंग, प्रोपिंग क्या होता है? केले में फल आने के बाद उसे गिरने से रोकने के लिए जो लकड़ी का सहारा दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोपिंग कहा जाता है। अब दूसरा आ जाता है डिसक्रिय। अब डिसक्रिय में हमने बता दिया जो हमारे खराब पौधे होते हैं, क्या होता है? खराब पौधे होते हैं जो रोग से ग्रसित होते हैं, तो मतलब उसे बोला जाता है अवांछित, अवांछित सकस को हटाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? डिसक्रिय बोला जाता है। मट कोकिंग क्या होता है? तो केला का हमारा जो पौधा रहता है सभी फल आने के बाद सभी पुत्ती को एक साथ, पुत्तियां सकस को एक साथ हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मट कोकिंग कहा जाता है। गिरने वाली क्या होता है? हमने बता दिया कि उसमें फूल आने के बाद जो होता है उसके नर भाग को हटाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? गिरने वाली कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आप सबको ये बता दें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए हमने जो प्रोपोगेशन से संबंधित बताया था कि प्रवर्धन किसके द्वारा सकस या तलवार सकस, प्रवर्धन के लिए सकस का भार 500 से 750 ग्राम, सकस की लंबाई कितनी होनी चाहिए तो 60 से 90 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि केले में प्रवर्धन के लिए कितने माह पुराने सकस का प्रयोग करते हैं। आप जो हम प्रवर्धन करते हैं, जैसे हमें अगर नए प्लांट करना है, नए प्लांट नए पौधे लगाना है, तो वो कितने माह जो सकस जो होता है वो कितने माह पुराना होना चाहिए हमें रोपाई के लिए प्रयोग करते हैं, तो 2 से 3 माह पुराना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 से 3 माह पुराना होना चाहिए। अब 2 से 3 माह पुराना इतनी लंबाई ज्यादा ज्यादा रहेगा, ऐसे कम भी रह सकता है 2 से 3 माह पुराना, ठीक है। तो इसको अगर हम रोपाई करेंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। तो ये जाना इसकी लंबाई हमें बता दिया 60 से 90 सेंटीमीटर। कितना होता है? 60 से 90 सेंटीमीटर। तो इतना जाना ना कि केले में प्रवर्धन के लिए जो सकस का प्रयोग किया जाता है वो कितने माह पुराना होना चाहिए, तो 2 से 3 माह पुराना होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केले में पंचीकाप, पंचीकाप क्या होता है? अब ये ध्यान रखना केले में पंचीकाप बीमारी होता है। क्या होता है? बीमारी होता है जो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस द्ववारा होता है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्गोसा। चलिए हम आगे बताएंगे। तो ये ध्यान रखना कि केले में पंचीकाप ये बीमारी है, समझ लेना क्या एक डिजीज या बीमारी है। पंचीकाप को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब पंचीकाप बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कैबेज काप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कैबेज काप के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे 1891 में बिहार में सबसे पहले कहा गया था। कहां पर? 1891 में फिजी बिहार में। तो इतना ध्यान रखना केले में पंचीकाप और किस नाम से जाना जाता है, तो कैबेज काप के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारे जनरल टाइप क्वेश्चन है कि बागवानी फसलों की सिंचाई किस विधि से करते हैं। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है कि जितनी भी हमारी बागवानी फसलें होती है, क्या जितनी भी हमारी बागवानी फसलें होती है उनमें हम सिंचाई क्या करते हैं, सिंचाई या इरीगेशन किस विधि से किया जाता है। एक सामान्य रूप से क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है कि बागवानी फसलों में सिंचाई किस विधि से करते हैं, तो रिंग मेथड जिसे बोला जाता थाला विधि, इसे क्या कहा जाता है? रिंग मेथड, या इसे क्या कहा जाता थाला विधि। अब थाला विधि क्या होता है? आप सब जानते हो ये हमारा पौधा है, क्या पौधा हम सब देखे हो कि गांव में चारों तरफ से ऐसे मिट्टी ऐसे कर देते हैं, मिट्टी ऐसे कर देते हैं, एक थाली में ऐसे मिट्टी का घेरा बना देते और घेरा बनाने के बाद क्या होता है इसमें हम पानी भर देते। तो यही हमारा क्या होता है? रिंग मेथड या थाला विधि होता है। क्या होता है? रिंग मेथड या थाला विधि होता है। तो मतलब सभी बागवानी फसलों में सिंचाई किस विधि से करते हैं, तो रिंग मेथड या थाला विधि से किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमने बता दिया कि केले में जो प्रवर्धन किया जाता है तो सकस कितने माह पुराना होना चाहिए, 2 से 3 माह। केले में पंचीकाप बीमारी लगती है उसको किस नाम से, कैबेज काप के नाम से जाना जाता है। बागवानी फसलों में सिंचाई किस विधि से करते हैं, तो रिंग मेथड या थाला विधि से किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहां पर केला का उत्पादन हम लीफ प्रोडक्शन के लिए करते हैं, पत्ते के उत्पादन के लिए किया जाता है। देखो कि अधिकतर राज्य में जो केला मतलब उसके फल के लिए उसका पर्पस किया जाता है, मतलब फल के लिए उगाया जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा राज्य जहां पर मुख्य रूप से जो इसकी खेती की जाती है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर केला का उत्पादन पत्तियों के लिए किया जाता है, यानी जो हमारा केला की खेती की जाती है पत्तियों के लिए किया जाता है, तो तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु में किया जाता है। और पत्तियों के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर देखोगे साउथ इंडिया में लोग जाओगे अगर वहां पर, तो अगर होटल में अगर हम खाना खाने जाते हैं तो देखोगे केला की जो हमारी पत्तियां होती है, केला की जो हमारी पत्तियां होती है उस पर लोग मतलब खाना देते हैं। ऐसे देखोगे केला की पूरी पत्तियां बड़ी रहती है, काफी लंबी रहती है, तो उस पर लोगों को खाना खाने के लिए देते हैं, मतलब होटल में भोजन या खाने के लिए सभी पत्ता वत्ता बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए भारत में कौन सा राज्य जहां पर केला का उत्पादन किया जाता है सबसे अधिक लीफ प्रोडक्शन के बेस पर किया जाता है, तो तमिलनाडु हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, केले में पंचीकाप वायरस का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। तो हमने बता दिया कि केले में पंचीकाप जो होता है बीमारी होती है किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। वायरस का नाम बता दिया पेंटालोनिया नाइग्रोनर्गोसा। अब देखो इसका पता अब कैसे पता लगाते हैं कि केले में पंचीकाप बीमारी लग गई है, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। तो इतना ध्यान रखना केले में पहले ध्यान रखना कि पंचीकाप क्या है, बीमारी है, किस में लगता है, केले में लगता है, किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, वायरस का नाम पेंटालोनिया नाइग्रोनर्गोसा होता है। अब अगर हम इसका पता लगाते हैं तो कौन सा जांच है, कौन सा टेस्ट करते हैं, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है हमारा, टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। कौन सा? टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि केले की सबसे भयानक बीमारी कौन सा, तो मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ बनाना, तो सिंगा टोका होता है। क्या होता है? सिंगा टोका होता है। तो इसको ये फफूंद किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा होता है। तो ये ध्यान रखना कि केले की सबसे भयानक बीमारी कौन सी होती है, तो सिंगा टोका। तो दोबारा बता देते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहां पर केला की खेती लीफ प्रोडक्शन है पत्तियों के लिए किया जाता है। हजारा, बंबई और हरिचाल। तो ये सब्जी वाली वैरायटी जो हमारी मुख्य मुख्य वैरायटी उसको बता दे रहे हैं। तो नेंद्र जो मुख्य है, मंथन और हरिचाल, ये सब मुख्य वैरायटी है। केला की जो होती है सब्जी वाली प्रजाति, कैसी है? सब्जी वाली प्रजाति है, इसको सब्जियों के लिए उगाया जाता है। और उत्तर भारत की वैरायटियां प्रजातियां कौन कौन सी होती है, तो मालभोग, अमृत सागर, हरिचाल, बरसाई घाट, बलिया हजारा। क्या होता है? बलिया हजारा। तो इसमें जो कंपटीशन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक हरिचाल याद होना चाहिए, अमृत सागर
क्या अमृत सागर और बरसाई द्वार, क्या 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 बरसाई द्वार, नेंद्रन मंथन, बस इतना याद होना चाहिए। और जो मेरे पेपर बनाते ये दोनों क्वेश्चन पूछा था कि अमृत सागर और बरसाई द्वार किसकी प्रजाति है, अमृत सागर और बरसाई द्वार किसकी प्रजाति, ऐसा क्वेश्चन पूछा था यूपीकेटर में कि अमृत सागर और बरसाई द्वार किसकी प्रजाति, ये दोनों वैरायटी साथ एक साथ में दिया था, पूछा था तो केला की वैरायटी किसकी, केला की प्रजाति है। तो जो हमने आप सबको मुख्य मुख्य बताई वो दोबारा नेंद्रन मंथन और हरिछक, ये याद होना चाहिए, सब्जी वाली वैरायटी है, उत्तर भारत में उगाई जाने वाली वैरायटी है। तो अमृत सागर अगर सभी नहीं तो ये वैरायटी तो जरूर याद होना चाहिए, अमृत सागर हरिछक बरसाई द्वार ये सब वैरायटी तो मुख्य जो अक्सर पूछी जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि केला की कौन सी प्रजाति जिसमें ग्लूकोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सी ऐसी वैरायटी या प्रजाति जिसमें ग्लूकोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मोन्थेन एक ऐसी प्रजाति है जिसमें ग्लूकोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में ग्लूकोज इसी प्रजाति में पाया जाता है। तो एक बार कार्बो पेपर बनाते हैं पीकेटर का, तो उसने पूछा था कि मतलब कौन सा, उसमें ऑप्शन दे दिया था कि कौन सा उसमें पदार्थ है जिससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको लेने के बाद तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है, उसमें ग्लूकोज ऑप्शन दिया और ग्लूकोज ऑप्शन सही था। तो इससे जो होता है तुरंत एनर्जी प्राप्त होता है, देखिए कि अगर किसी को ज्यादा वीकनेस आ जाती है तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है तो क्या लोग ग्लूकोज लेते हैं, तो इससे क्या होता है एनर्जी तुरंत हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा पदार्थ जिसमें हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त होता है या लेने के बाद मतलब तुरंत एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है, तो कौन सा है ग्लूकोज। तो केला की कौन सी प्रजाति जिसमें ग्लूकोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मोन्थेन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि केला का पौधा रोपाई के कितने दिनों बाद फूल आने लगता है, यानी केला का जो पौधा होता है उसमें रोपाई के कितने दिन बाद उसमें फ्लावरिंग आने लगता है, फूल आने लगते हैं, तो 10 से 12 माह बाद, कितने माह बाद, 10 से 12 माह, इसमें 10 से 12 माह बाद इसमें फूल आने लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि केला को सामान्य रूप से कितनी दूरी पर लगाया जाता है, यानी स्पेसिंग इसमें कितना रखा जाता है, क्या हो जाता है स्पेसिंग, या जिसे बोला जाता है पौध अंतर, या इसे क्या बोला जाता है पौध अंतर। तो केला में स्पेसिंग या पौध अंतर कितना रखा जाता है, 2 × 1.5 मीटर रखा जाता है, कितना 2 × 1.5 मीटर रखा जाता है। तो ये जाना ना केले में स्पेसिंग या पौध अंतर 2 × 1.5 मीटर रखा जाता है। तो केले की कौन सी प्रजाति ग्लूकोज अधिक मात्रा में मोन्थेन हो जाएगा, केले का पौधा रोपाई के कितने दिनों बाद इसमें फूल आने लगते हैं, 10 से 12 माह बाद, केले को स्पेसिंग या पौध अंतर कितना रखा जाता है, तो 2 × 1.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो अगर 2 × 1.5 मीटर की दूरी पर अगर हम लगाते हैं तो केला में एक हेक्टेयर में जो कितने घर आते हैं, घर या पौधे, घर प्रति हेक्टेयर, अब जितने घर आएंगे लगभग उतने पौधे केले में आते हैं, तो एक हेक्टेयर में लगभग कितने घर आते हैं, तो 3,333 घर आते हैं, कितने 3,333 घर आते हैं। अगर इस तरह भी पूछ लेता कि केला के एक हेक्टेयर खेत में लगभग कितने पौधे आ सकते हैं, तो 3,333 पौधे आते हैं, कितने 3,333 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि केला को किस रसायन से पकाया जाता है, किस तरह भी पूछा जा सकता है, और इस तरह भी पूछा जाता है कि फलों को किस रसायन से पकाया जाता है, फलों को किस रसायन से पकाया जाता है, तो किस रसायन से पकाया जाता है एथिलीन, इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फलों को किस रसायन से पकाया जाता है, तो एथिलीन, या अगर पूछ लेते हैं स्पेशली कि केला को किस रसायन से पकाया जाता है, तो एथिलीन, और साथ में कार्बाइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर एथिलीन नहीं है तो गांव में देखोगे कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, किसका, कार्बाइड का प्रयोग करते हैं जो सफेद कलर का होता है, यानी ठोस के रूप में रहता है, किसके ठोस के रूप में रहता है, उसको लाके केला, केला अगर हमें पकाना तो ऐसे पूरा एक डब्बा रहता है उसमें रख देते हैं, और नीचे पहले केला रख देंगे हल्का सा, उसके बीच में दवा रख देते हैं, फिर ऊपर केला रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें गैस निकलता, क्या होता है, गैस निकलता है। ये देखो ये प्रैक्टिकली हम सब किए है ना, केला पकाया जाता है हमारे यहाँ, खेती होती मतलब इन दो पौधे लगाए जाते हैं, तो अभी हम गए थे गाँव में, तो हमारे केला में उसमें फला गया अच्छी तरीके से, और देखो उसमें काफी बड़ा हो गया, उसको लकड़ी का सहारा भी दिया गया, ऊपर से एक पेड़ है उससे भी रस्सी से बांधा गया है। तो मतलब केला को किस रसायन से कार्बाइड या एथिलीन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन देखते हैं कि केले में घर आने के कितने दिन बाद मिट्टी चढ़ाते हैं, हाँ। जैसे बोला जाता अर्थी, देखो मिट्टी और किसमें भी चढ़ा जाता, आलू में चढ़ाया जाता, गन्ने में भी चढ़ाया जाता, और मूंगफली में, किसमें, आलू गन्ना और मूंगफली। अब क्या होता है केले में घर आने के, घर मतलब उसमें जब फल आने लगता है तो उसके हम कितने दिन बाद उसमें मिट्टी चढ़ाते हैं, तो 20 से 25 दिन बाद, कितने दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद, और कितने सेंटीमीटर हम मिट्टी चढ़ाते हैं, तो 20 से 25 सेंटीमीटर भी मिट्टी चढ़ाया जाता है। कितने दिन बाद इसमें, जैसे अब इसमें घर आ गया, फल आने लगे, तो उसके 20 से 25 दिन बाद इसमें मिट्टी चढ़ा देते, और कितने सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ाया जाता है, तो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर इसमें मिट्टी चढ़ाया जाता है। तो इतना ध्यान रखना कि केले में घर आने की कितने दिन बाद मिट्टी चढ़ाते हैं, 20 से 25 दिन बाद कितने सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ाया जाता है, तो 20 से 25 सेंटीमीटर। तो एक हेक्टेयर खेत में केले के घर में कुल पौधों की संख्या 3,333। केला को किस रसायन से पकाया जाता है, एथिलीन या कार्बाइड, मिट्टी चढ़ा, अर्थिंग, देखिए इसे क्या बोला, अर्थिंग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्थिंग, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अर्थिंग कहा जाता है, जो आलू में मुख्य रूप से किया जाता है, गन्ना भी किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, अब देखिए लेडी फिंगर किसकी प्रजाति है,
ब्लडी फिंगर किसकी वैरायटी या प्रजाति? तो केला की प्रजाति। किसके? केला की प्रजाति। और कैसी प्रजाति है? द्विगुणित प्रजाति, मतलब डायगोनल या डिप्लॉइड प्रजाति। कैसी डिप्लॉइड प्रजाति है? द्विगुणित प्रजाति। अब ब्लडी फिंगर और किसी फसल को कहा जाता है? हम सब वेजिटेबल में देखे हैं किस फसल को कहा जाता है, तो भिंडी को कहा जाता है। क्या भिंडी? लेडी फिंगर किसे कहा जाता? भिंडी को भी कहा जाता है। और भिंडी को क्या कहा? ओकरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओकरा भी। जब भिंडी पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। क्यों इतना ध्यान रखना? भिंडी को और क्या क्या कहा जाता है? लेडी फिंगर भी कहा जाता है और ओकरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेडी फिंगर और ओकरा। लेकिन तो यहाँ पर क्या वैरायटी या प्रजाति पूछ रहा? क्या पूछ रहा? वैरायटी या प्रजाति। तो लेडी फिंगर किसकी वैरायटी या प्रजाति? तो केला की प्रजाति। किसकी वैरायटी या प्रजाति? तो केला की प्रजाति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि केला के उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई प्रजाति या म्यूटेंट प्रजाति क्या? म्यूटेंट भी इंग्लिश में बोला जाता है। हमने आप सबको बताया म्यूटेंट क्या होता है, जो सडन हेरिटेबल चेंज, जो अचानक उसके मॉर्फोलॉजी में जो बदलाव हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेंट बोला जाता है। तो केला की म्यूटेंट प्रजाति जो उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई, तो ग्रेड नए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेड नए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि केला की कौन सी प्रजाति जो पहाड़ों पर उगाई जाती है, मतलब कौन सी ऐसी वैरायटी जिसके हिल एरिया में कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब पहाड़ों पर जिसकी खेती किया जाता है। तो केला की कौन सी प्रजाति जो पहाड़ों पर उगाई जाती है? तो बीरू पक्षी और लादेन हो जाएगा। ओसामा बिन लादेन समझ लेना। ओसामा बिन लादेन मतलब लादेन। क्या? बीरू पक्षी और लादेन। तो जय और बीरू समझ लेना। जय मूवी है शोले, आप सब जानते ही होंगे शोले। तो बीरू पक्षी और लादेन, भैया सोना मत, शोले का कारण तो शोले मूवी का नाम है, ठीक है? तो मतलब केला की कौन सी प्रजाति जो पहाड़ों पर उगाई जाती है? बीरू पक्षी और लादेन हो जाएगा। ये वैरायटी ऐसी प्रजाति जो इसकी खेती मुख्य रूप से एक एरिया या पहाड़ों पर की जाती है। तो लेडी फिंगर किसकी वैरायटी प्रजाति? केला की। कैसी वैरायटी है? द्विगुणित में डिप्लॉइड। केला की म्यूटेंट या उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई प्रजाति ग्रेड नाइन हो जाएगा। केला की कौन सी प्रजाति जो पहाड़ों पर उगाई जाती है? तो बीरू पक्षी और लादेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन आ गया जो हमने आपको बताया था कि केला की द्विगुणित प्रजाति, तो लेडी फिंगर है। क्या? लेडी फिंगर। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि केले में घायल का कम लगना, इन्हें कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से केले में घायल कम लगते हैं या बहुत छोटी छोटी मात्रा में उसकी क्वालिटी काफी खराब होती है, या किसकी कमी से घायल कमाते हैं या फलियां कमाती है? तो पोटास की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ पोटास। क्या? पोटेशियम की कमी से केले में घायल कम लगते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि केले में उठा रोग किस मृदा में सबसे अधिक लगता है? केले में उठा रोग सबसे अधिक किस मृदा में लगता है? इन्हें कौन सी ऐसी मृदा जिसमें सबसे अधिक उठा रोग लगता है? तो अम्लीय मृदा में लगता है। किसमें लगता है? अम्लीय भूमि में लगता है। तो यह जाना कि केला की द्विगुणित प्रजाति लेडी फिंगर हो जाएगा, केले में घायल का कम लगना पोटास की कमी से हो जाएगा, केले में सबसे अधिक उठा रोग कौन सी ऐसी मृदा होती है जिसमें सबसे अधिक उठा रोग लगता है? अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल में लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लीजिए, अब कुछ आ गया इसमें महक, एरोमा मतलब महक किसके कारण होता है? कि केला अगर हरी अवस्था में है तो उसमें जो सुगंध होता है किसके कारण होता है? अगर पकी अवस्था है तो उसमें सुगंध किसके कारण होता है? अगर अधिक पकी अवस्था है तो किसके कारण उसमें सुगंध आता है? तो पहला इसमें है हरी अवस्था में, ग्रीन स्टेज मतलब हरी अवस्था में। तो केला की हरी अवस्था में महक आने का कारण क्या हो जाएगा? तो हेक्जेनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्जेनाल। तो हा से हरी, हा से हेक्जेनाल, इससे ध्यान रखना। अगर आप कंफ्यूज हो तो ध्यान रखना, हा से हरी, हा से हेक्जेनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो केला की हरी अवस्था में महक आने का कारण हेक्जेनाल। अब आता पकी अवस्था में महक आने के कारण, तो यूजेनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजेनाल। और अगर अधिक पक गया, क्या अधिक पकी अवस्था में महक किसके कारण आता है? तो आइसोपेंटेनॉल के कारण होता है। किसके कारण? आइसोपेंटेनॉल के कारण होता है। तो ये मतलब अवस्था है, कौन सी अवस्था केला की, कौन सी अवस्था है उसमें महक आने का कारण क्या होता है, किसके कारण महक आता है? तो अगर केला हरा है तो उसमें महक हेक्जेनॉल के कारण आएगा। अगर पक गया है, मैच्योर हो गया है, परिपक्व यानी हो गया मतलब मैच्योर मतलब परिपक्व होता है, रिपनिंग मतलब पक गया है, तो उसमें यूजेनॉल। अगर अधिक पक गया है मतलब नॉर्मल रूप से जो पकता है उससे ज्यादा पक गया है, तो उसमें महक किसके कारण आता है? तो आइसोपेंटेनॉल के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है प्लांटिंग टाइम या रोपाई का समय, जिसे बोला जाता है रोपाई का समय। अब देखिए रोपाई का जो समय केला में जो देखा जाता है मुख्य रूप से बागवानी फसलों की रोपाई कब की जाती है, तो अधिकतर हम देखे होंगे जून से अगस्त या जुलाई से अगस्त में की जाती है। कब की जाती है? जून से अगस्त या जुलाई से अगस्त में अधिकतर बागवानी फसलों की रोपाई की जाती है। तो प्लांटिंग टाइम जो नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में कब की जाती है? उत्तर भारत। अब उत्तर भारत में जो रोपाई का मुख्य समय होता है वर्षा ऋतु मतलब रेनी सीजन होता है, जो जून से अगस्त में की जाती है। कब की जाती है? जून से अगस्त में या रेनी सीजन में की जाती है। तो रोपाई का समय मतलब प्लांटिंग टाइम उत्तर भारत में पूछ लेगा तो हमारा का वर्षा ऋतु रेनी सीजन है, जून से अगस्त में की जाती है। अगर मैं पूछ लेता साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत, क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। इसमें कब की जाती है? ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन, अप्रैल से जून में की जाती है, अप्रैल से जून में। तो अगर सामान्य रूप से कोई कंडीशन भी ना लगा पूछ लेता है कि केला की रोपाई करने का मुख्य समय कौन सा होता है, तो हमारा रेनी सीजन या वर्षा ऋतु। क्या हो जाएगा? रेनी सीजन या वर्षा ऋतु। अगर वो केला में मिट्टी चढ़ाने का उपयुक्त समय, यह भी रेनी सीजन हुआ सर। अगर इस तरह पूछ लेता है कि केला में मिट्टी चढ़ाने का उपयुक्त समय मतलब कब इसमें आर्थिक क्रिया में करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो रेनी सीजन या वर्षा ऋतु में की जाती है। क्योंकि देखोगे आधी और तूफान का बता रहे, आजकल तो ऐसा सीजन हो गया कभी भी आधी तूफान आ सकता है, जैसा नेचर के साथ करेंगे वैसा नेचर हमारे साथ करता है। तो इसलिए भैया तो ये हो गया हमारा रेनी सीजन या वर्षा ऋतु। अब अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है कि केले के जमीन से ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है?
अब जो हमारा केला का पौधा होता है, ये आप समझ रहे हैं, केला का पौधा होता है। अब जो जमीन से ऊपर का भाग होता है, ये हमारा जमीन से ऊपर का भाग होता है। तो केला का जो, केला के पौधे का जो भाग जमीन से ऊपर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? सिडो स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिडो स्टोन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे गए कंपटीशन में, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना कि केला के पौधे की जमीन से ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है। हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। अब इससे ऊपर जो केला का पौधा होता है, केला का पौधा जमीन से जस्ट ऊपर का भाग, तो उसे क्या कहा जाता है? सिडो स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिडो स्टोन। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि केले के पौधे के जमीन से नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है। जमीन से नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो केले के पौधे का जो भाग जमीन से नीचे होता है, ये भाग क्या हो जाएगा? जमीन से नीचे होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? राइजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोम कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग पूछा ही गया कंपटीशन में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए हमें ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि केले के पौधे का जमीन से ऊपर वाले भाग, जो जमीन से जस्ट ऊपर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो स्यूडो स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडो स्टोन। और केले के पौधे का जो भाग जमीन से नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? राइजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोम। ये हमारा ग्राउंड है, इससे ऊपर का भाग स्यूडो स्टोन और इससे नीचे का भाग राइजोम। अगला क्वेश्चन हमारा यही आ जाता है कि केला की चिप्स बनाने वाली प्रजाति कौन सी, कौन सी ऐसी वैरायटी या प्रजाति है केला की, कौन सी ऐसी वैरायटी या प्रजाति जो चिप्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो केला की जो वैरायटी या प्रजाति नियंत्रण हो जाएगी। क्या हो जाएगा? नियंत्रण वैरायटी या प्रजाति जो चिप्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्या होती है? चिप्स बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी या प्रजाति मानी जाती है। अब आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आलू की चिप्स बनाने वाली प्रजाति कौन सी होती है, आलू की चिप्स बनाने वाली प्रजाति। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करके पूछा गया, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि आलू की चिप्स बनाने वाली प्रजाति कौन सी है, आलू की चिप्स बनाने वाली प्रजाति। विकास पटेल कह रहे हैं सर एनर्जी ज्यादा है सर आपके पास, समाप्त हो रहा है उसके लिए। देखो भैया आप सबके लिए लगे हैं तो उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। चलिए जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि आलू की चिप्स बनाने वाली प्रजाति कौन सी है, तो चिप्सोना एक, चिप्सोना दो, लोग बता रहे हैं पवन चिप्सोना वन, गोपाल पटेल चिप्सोना टू। हाँ तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना, काफी कुपरी चिप्स होना, रोहित आलतोई कुपरी चिप्स होना, नवनीत शुक्ला चिप्स होना, नोट टू प्रीति सिंह चिप्स होना, सोनू यादव चिप्स होना, शिवम। चलिए ठीक है, आप लोग जो हमने अभी आप सबको पढ़ाया है उसको कोई स्टूडेंट नोट किया है भैया, उसका आप सब नोट्स कर रहे हैं या नहीं, या पीडीएफ का इंतजार करेंगे? चलिए नोट्स बनाते रहे तो भैया बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमुखी, ये भैया चंद्रमुखी कहाँ से आ गया? कुपरी चंद्रमुखी, कुपरी चंद्रमुखी नहीं होता, कुपरी चिप्सोना वन और कुपरी चिप्सोना टू होता है। ठीक है, जो चिप्स बनाने वाली प्रजाति होती है चंद्रमुखी नहीं जाएगा, कुपरी चिप्सोना वन आता। रिया गुप्ता सर हमारा कमेंट सुनिए, कमेंट सो कर रहा आपका। अब तो जो वैरायटी ऑफ प्रजाति होती है इतना चंद्रमुखी उसमें नहीं देगा, ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन में पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। उसमें देता कुपरी चिप्सोना वन और कुपरी चिप्सोना टू होता, यानी यही दोनों पूछा जा सकता है। तो नोट्स बनाते चलना, चलिए भैया उसका फोटो भेजिए, कितने लोग नोट्स बनाए हैं फोटो भेजिए उसका, देखते हैं। किसी स्टूडेंट का आ जाए तो बच्चों का भी सर नोट्स बनाए, बहुत अच्छी बात है। आप इसको बनाते चलिए और अच्छे से याद करते चलिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मुझे बहुत ही मायने रखते हैं। अभी बताइए जो हमने पढ़ाया सबको समझ में आया कि नहीं, किसी को ऐसा टर्म या टर्मिनोलॉजी या कोई शब्द है जिसको आप सबको दिक्कत हो रही है, समझ में ना आया हो? राघवेंद्र सिंह यादव, राघवेंद्र सिंह बता रहे सर हमने नोट्स बना दिया। भैया राघवेंद्र तुम्हारे कहने से और कोई बच्चे ज्वाइन नहीं किया, आप सभी ज्वाइन करा रहे 2000 बच्चों का। महेंद्र बता रहे सर हमारे कमेंट नहीं, आपके कमेंट आ रहे हैं। चलिए काफी स्टूडेंट भैया, बहुत अच्छी बात है भैया, आप सब लगे रहिए अच्छे से, अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर हमारा बेस है। रिया गुप्ता सर आपके नोट्स आ गए, तो सभी लोग अधिकतर सभी स्टूडेंट ने जिन्होंने भेजा लगे नोट्स सबके आ गए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जो नोट्स है जब तक आप पढ़ोगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हो, किसी डिग्री कॉलेज का, कहीं भी अगर आप पेपर देने जाते हैं, कोई भी कंपटीशन अगर आप देने जाते हो, तो समझ लीजिए हमारा एक बेस होता है। क्या होता है बेस? और सबसे पहले हमें बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब अगर हमें नहीं पता रहेगा तो आगे चलकर बीएससी में हमें दिक्कत हो सकती है। रोहित बता रहे सर आप कहाँ से स्टडी कर रहे हो? चलो भैया अगर तुम चलो ठीक है, मिलेंगे तुम्हें, तुमको सीएसएम एडमिशन लोगे, तुमसे मिलते हैं ठीक है। केपी मौर्या बता रहे हैं सर, हाँ भैया नोट्स आपका आ गया है, आप सीएसएम जितना स्टूडेंट पढ़ो अच्छे से एडमिशन ले लो, तो सीएसएम लगा मिलेंगे आप सबसे। चलिए ठीक है, इसके बाद जो लगभग हमारे जो अगला लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। अब हमारे जो लगभग बीमारी बचे डिजीज उजीज बचे उसको हम आप सबको बताएंगे। हमारा कल जनरल क्वेश्चन रहेगा, जनरल एग्रीकल्चर रहेगा। अभी बताइए आप सबको समझ में आया कि नहीं जो हमने पढ़ाया है, मतलब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी टर्मिनोलॉजी किसी भी शब्द में जो हमने बताया है? क्योंकि ये मेजर क्रॉप बनाना, इनसे एक दो क्वेश्चन से और है जो हमने जिस पे फोकस किया ज्यादा, वो क्वेश्चन तो आपको जरूर कभी भूलना नहीं चाहिए, और इसके साथ सभी क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए। अवनीश मौर्य ने भैया पहले पढ़ाई करो एडमिशन लो फिर मिलेंगे, समझ में आ रहा सभी स्टूडेंट को?
चले ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं, बाकी बाकी कला जो लंदन जा रही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।